हार्ट अटैक हुआ, आदमी बच गया, हार्ट अटैक हुआ, आदमी मर गया, क्या फर्क हो गया? दोनों हार्ट अटैक में क्या फर्क है? एक मर गया, एक बच गया, क्या बात है? ये होता है हार्ट अटैक, कितना बड़ा हार्ट अटैक हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है वो आदमी बचेगा या मरेगा। तो ये कितना बड़ा हार्ट अटैक का क्या मतलब है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ब्लॉकेज है वो आपको मैं दिखा के समझाऊंगा तब समझ आएगी। ये हमारी हार्ट है और ये हार्ट को बड़ा करके दिखा रहा हूँ। हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देता है, यहाँ से अपने लिए 3 ट्यूब लेता है और इनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। ये ब्लॉकेज बढ़ती जाती है और एक दिन ब्लॉकेज बस्ट कर जाती है और बस्ट करते ही यहाँ पे क्लॉट आ जाता है, 100 ब्लॉकेज हो जाता है। 100 ब्लॉकेज जहाँ हुआ हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाएगा। अब आपको ये देखना हार्ट अटैक का जो लोकेशन है वो कहाँ है। अगर लोकेशन एकदम एंड में है तो ये माइनर अटैक होगा, ओनली थोड़ा सा एरिया मरेगा, और लोकेशन एकदम शुरू में है तो मेजर अटैक होगा, और लोकेशन एकदम लेफ्ट मेन में है, लेफ्ट के जो मेन ट्यूब में है, तो वो आदमी मर भी सकता है। तो ये ब्लॉकेज का लोकेशन बताएगा कि आपको हार्ट अटैक कौन सा होने वाला है। अगर ब्लॉकेज एकदम एंड में है तो माइनर अटैक होगा, या ब्रांच ट्यूब में तो माइनर अटैक होगा, और अगर 3 मेजर ट्यूब है LAD RC LCX इनके शुरुआत में है तो हार्ट अटैक में काफ़ी पावर होगा और वो मेजर अटैक होगा। उसमें आदमी बच भी सकता है, मर भी सकता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा हो गया तो बच जाएगा, मैनेजमेंट खराब हो गया तो मर जाएगा। माइनर में कभी मरता नहीं है कोई, याद रखिएगा। और मैसिव अटैक का मतलब है जो लेफ्ट साइड की ट्यूब है उसकी शुरुआत में पहला 1 इंच के अंदर हार्ट अटैक होना, उसको बोलते हैं लेफ्ट मेन। लेफ्ट मेन डिवाइड करता है 2 भाग में, एक है LAD एक है LCX। इन दोनों को डिवाइड होने से पहले ही अगर हार्ट अटैक हो जाए तो LAD भी गया, RC भी गया, और दोनों मिला के 70% ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है, और वो एरिया पूरा डेड होने के बाद आदमी का बचना बहुत मुश्किल रहता है। तो जब भी आपने ये सुना है वो आदमी सोए सोए चला गया, हॉस्पिटल जाने से पहले मर गया, तो वो मैसिव हार्ट अटैक था। और अगर उसको मेजर अटैक हुआ हो तो क्या होगा, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, वहाँ पे उसको दवाइयाँ चढ़ेगी, वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट होगा, और फिर वो बच भी जाए मर भी जाए। वो मेजर अटैक था। माइनर अटैक में हो सकता है पेशेंट को पता भी नहीं चले, वो साइलेंट अटैक भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। पेशेंट को बोलता है थोड़ा बहुत दर्द हुआ था, मैंने इग्नोर कर दिया, और पीछे डॉक्टर बोल रहे हैं 1 साल बाद कि भाई आपको हार्ट अटैक हुआ था, तो माइनर अटैक हुआ होगा। तो एक आदमी मेरे को पूछता है सर कौन सा हार्ट अटैक मेरे लिए ठीक रहेगा, मैं बोला कोई भी ठीक नहीं रहेगा। ब्लॉकेज बढ़ाओगे तभी हार्ट अटैक होगा, तो ब्लॉकेज बढ़ाना बंद करो, ब्लॉकेज को घटाना शुरू करो, रिवर्स करो ब्लॉकेज को, तो फिर हार्ट अटैक कभी नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा। और आदमी ये भी जानना चाहता है सर वो लोकेशन इन एडवांस में पता चल सकता है कि नहीं, एकदम पता चल सकता है। अगर आप CT कोरोनरी स्कैन कराओ, आजकल मेडिकल साइंस का लेटेस्ट टेस्ट है हार्ट के ऊपर, 7,000 रुपीज और सो इट कॉस्ट, और 2 मिनट में आपको बता देगा कौन सी ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है। तो ये CT कोरोनरी स्कैन यूजली 15,000 की टेस्ट होती है, पर हमने साउल ने उनसे बात किया है, हर उन लोगों को आपको मालूम होना चाहिए जब CT कोरोनरी स्कैन करते हैं तो डॉक्टर्स को एक हर वक्त इनडायरेक्टली डायरेक्टली कमीशन दी जाती है। हमने उसको मना कर दिया, हमने बोला एक काम करो, हमारी जितनी भी पैसे मिल रहे हैं वो हमारे पेशेंट को पास करो। तो साउल में एक रूल बनाया, आप किसी भी साउल सेंटर में जाएंगे वो लोग आपको एक डिस्काउंट कूपन दे देंगे या डिस्काउंट करवा के देंगे, तो आपको 15,000 की जो टेस्ट है हम दिल्ली में 7,000 में करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई को बीच भी नहीं है हमारे, तो हमारी जो कमीशन है वो हम पेशेंट को पास ऑन कर देते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि हार्ट अटैक होना नहीं चाहिए, और अगर आपको इन एडवांस में पता चले कि आपकी ब्लॉकेज मेजर या मैसिव एरिया में है तो आप प्रिकॉशन डबल कर सकते हैं कि आगे जाके मरने की बात ना हो। अगर आज कपिल देव या अदिति नोबल बच गए हैं तो इसका मतलब क्या, इनको मेजर अटैक रही होगी, मैसिव नहीं रही होगी, और जो चले जाते हैं 1 मिनट में फिर तो समझ में आ गया कि मैसिव अटैक था और ख़त्म हो गया। तो ये तीनों अटैक की डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपके अंदर पता अगर ब्लॉकेज है तो कहाँ पे है वो भी आप जानकारी करके रखिए। तो आपको अगर मैसिव या मेजर अटैक के चांसेस है तो प्रिकॉशंस को बहुत ज़्यादा कर दीजिए। हार्ट के पेशेंट्स को ये सब नॉलेज नहीं है, पर नॉलेज देना मेरा काम है। आप इस नॉलेज को अगर समझ आइए तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।